जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो फाइनली iQOO Z6 5G और iQOO Z6 X5G आज लॉन्च हो चुके हैं। चलो शुरुआत करते हैं iQOO Z6 5G से। यहाँ पर आपको 6.64 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सेमिग्रेट, HDR10 का सपोर्ट और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। 8 बिट के कलर्स मिल जाएंगे और 650 नीट्स का आपको टिपिकल ब्राइटनेस नहीं मिलेगा, HBM मिलेगा। अब टिपिकल और पीक क्या है वो तो बताया नहीं। पंचोल नॉर्मल सा मिलेगा, छोटा सा चिन्ह रहेगा, बेजल एज डिस्प्ले, देखने में अच्छा लगता है। देखो यार डिस्प्ले के स्पेक्स काफी अच्छे हैं, जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कहूं तो अच्छा स्पेक्स ही रहता है। लेकिन एक कमी खला मेरे को, यहां पर अगर एमोलेड पैनल मिल जाता तो मजा आ जाता, अदरवाइज ठीक है यार, IPS LCD पैनल है, गेमिंग करेंगे तो स्मूथनेस वाला फीलिंग रहेगा, HDR10 का सपोर्ट है तो यहां पर भी मेरे को थोड़ा सा कमी महसूस हुआ, HDR10 प्लस देना चाहिए था, मतलब कि काम चलाऊ स्पेक्स दे दिया है, ना इतने अच्छे हैं ना इतने बेकार हैं। ठीक है, मूवीज देख लो, गेमिंग कर लो, जिंदगी अच्छी कट जाएगी, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास काम चलाऊ है, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग और प्राइमरी कैमरा शायद OIS को सपोर्ट करता है। अगर वो OIS को सपोर्ट करता है ना तो सैमसंग का GW1 सेंसर उसमें होगा, हाँ या ना, मैं यहाँ पर मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। अब तुम लोग इस चीज को फील कर रहे होगे, iQOO का तो ये स्टाइल नहीं है, ऐसे स्पेक्स iQOO तो देता नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों ये वीवो का फोन है, मतलब कि आगे चल के बन जाएगा, तो इसी वजह से iQOO उसी प्रोस्पेक्टिव से क्रिएट किया है, वीवो उस प्रोस्पेक्टिव से क्रिएट किया है, अपने स्पेक्स अपने स्टाइल पर डाला है, इसी वजह से। नहीं तो यहाँ iQOO होता तो 6485 नहीं तो 6482 जरूर करता। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का शो सपोर्ट, LPDDR4X RAM टाइप, 4500 mAh बैटरी, 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, चार्जर बॉक्स में रहेगा, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, ओरिजिन OS 2.0 ओशियन पे रन करेगा, आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, सही सुन रहे हो, और VC लिक्विड कूलिंग मिल जाएगा, NFC भी है, Wi-Fi 6 भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी है, तो अच्छे अच्छे स्पेक्स तो दिया लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देना चाहिए था बॉस। परफॉर्मेंस की बात करते हैं क्योंकि सारा पैसा इसी में खर्चा हुआ है, नाएं बाएं के स्पेक्स को डाउनग्रेड इसीलिए किया iQOO ताकि वो एक अच्छा प्रोसेसर डाल सके एक अफोर्डेबल प्राइस पे। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 720 8G प्लस मिल जाता है जो एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 642L का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन एकदम फाड़ वर्क करेगा, तो भैया यही रीजन था। अब बात कर लेते हैं iQOO Z6 X के बारे में, ये तो आप लिटरली बोल लोगे। अब बात कर लेते हैं iQOO Z6 X के बारे में, अब तो आप लिटरली कहने लग जाओगे भाई ये तो वीवो का फोन है, बिल्कुल वैसे ही स्पेक्स दे रहा है। बताता हूँ, यहाँ पर आपको 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाता है, बस और कुछ भी नहीं, हो गया, इतना ही मिलते हैं, ना कोई हाई रिफ्रेश रेट है, ना कोई पंचोल डिस्प्ले है, ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, कुछ भी नहीं, बस यही है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, वो तो प्रोटेक्शन है ना, डिस्प्ले स्पेक्स की बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं मिलते हैं। कैमरास की बात कर ले तो अगेन यहाँ पर भी काम चलाऊ कैमरास है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 8 का सेल्फी, दिखाई दे रहा है वीवो का पूरा चाल चलन है यहाँ पर। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 2.2 का जो सपोर्ट, LPDDR4X RAM टाइप, 4500 mAh का बैटरी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, 6000 mAh का बैटरी मिलता है, 44 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, फन टच OS 12.1 कह लो या फिर ओरिजिन OS ओशियन 2.0 कह लो, और यहाँ पर कोई भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, NFC भी है, Wi-Fi 5.1 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, और यहाँ पर VC लिक्विड कूलिंग भी आपको मिल जाता है, नॉर्मल वाला है, iQOO Z6 5G के लेवल का नहीं है। लो भैया हो गया स्पेक्स खत्म। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 810 मिल जाता है जो एक 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G57 MC2 का GPU मिल जाता है। देखो यार वो प्रोसेसर अच्छा है, मीडियम ग्राफिक्स पे आपको ठीक ठाक गेमिंग करवा देगा, हाई ग्राफिक्स पे थोड़ा थोड़ा लैग होगा, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन एकदम मक्खन के जैसे चलेगा, मस्त परफॉर्मेंस देगा, 15,000 रुपए के स्मार्टफोन्स के लिए ठीक प्रोसेसर है, 15-16,000 रुपए के रेंज के लिए। अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, दोनों स्मार्टफोन्स के डायनामिक्स बता देता हूँ। iQOO Z6 5G जो है वो आता है 8.59 mm के थिकनेस के साथ और 194 ग्राम्स उसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन थोड़ा सा स्लिम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लिम है और भारी है, अंदर माल मसाला है तो भारी रहेगा। और इसी जगह अगर iQOO Z6 X को देखोगे तो वो आता है 9.27 mm के थिकनेस के साथ, 204 ग्राम्स उसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन मोटा है और भारी है क्योंकि इतना बड़ा बैटरा लगा है, दैट्स व्हाई। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन
स्मार्टफोन्स अपने अलग अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आईक्यू Z6X को देखोगे तो आईक्यू के पुराने स्मार्टफोन्स का डिजाइन देखने को मिलेगा, जो लेजेंडरी डिजाइन है, देखने में बहुत अच्छा लगता है यार, पीछे से देखने में बहुत प्रीमियम लगता है, हालांकि आगे से देखने में एकदम बेकार लगता है, उसको अगर पंचोल दे देते तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। उसी जगह अगर आप आईक्यू Z6 5G को देखोगे तो वो वीवो के नए स्मार्टफोन्स का डिजाइन लेके आया है, बड़ा सा कैमरा हाउसिंग, ब्लैक कलर का, दो बड़े बड़े लेंसेस, तो पता चलता है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स वीवो के स्मार्टफोन्स ही हैं, बस अभी चाइना में आईक्यू के ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च हो चुके हैं। तो मेरे को आईक्यू Z6 5G का डिजाइन एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई ये डिजाइन अच्छा लगता ही नहीं है, बड़े बड़े कैमरा हाउसिंग, ब्लैक कलर के, अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छा लुक नहीं देते हैं स्मार्टफोन्स को। उसी जगह अगर आप आईक्यू Z6X के बड़े कैमरा हाउसिंग को देखोगे तो वो देखने में काफी अच्छा लगता है, प्रीमियम लुक दे देता है। अगर आगे से देखोगे आईक्यू Z6 5G को तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, बेजलेस डिस्प्ले, नॉर्मल सा पंचोल, चिन भी बहुत ही कम, अच्छा लगता है। बिल्ड वाइज बात कर लें तो दोनों स्मार्टफोन्स आते हैं प्लास्टिक बॉडी के साथ, प्लास्टिक फ्रेम दे देते हैं, आगे कॉलरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों स्मार्टफोन्स में, तो भाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वीवो के स्मार्टफोन्स है, बट कुछ देर के लिए चाइना में आईक्यू के ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च हो गए। अब चलो यार बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। शुरुआत करते हैं आईक्यू Z6 5G से, जिसके तीन रैम वेरिएंट्स हैं। बेस वेरिएंट है 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 19,900 रुपए, 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद है 8 to 56, 22,100 रुपए, 22,100 रुपीज। फिर उसके बाद है 12 to 56, 24,500 रुपए, 24,500 रुपीज। फिर उसके बाद आईक्यू Z6X का जो बेस वेरियंट है 6128, 15,150 रुपए, यानी कि 15,200 रुपीज, सही प्राइस है। उसके बाद 8128 16,400 रुपए, 16,400 रुपीज। फिर 8256 18,700 रुपए, 18,700 रुपीज। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शन ओपिनियंस है कमेंट करके बताओ। अब चलो यार बात कर लेते हैं क्या ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे, होंगे तो कब तक होंगे, हम लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनका क्या प्राइस हो सकता है। देखो यार बात एकदम सिंपल है, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, दिवाली तक लॉन्च हो जाने चाहिए, वीवो अपने T2 सीरीज के अंदर में इनको लेके आ सकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ नाम चेंज करके ले आएगा। और ऊपर से रूमर्स भी आ रहे हैं कि अगले महीने आईक्यू Z6 प्रो SE करके, नहीं तो SE प्रो करके, कुछ ना कुछ ऐसे करके एक फोन लॉन्च होने वाला आईक्यू का, और आईक्यू Z6 लाइट भी लॉन्च होगा, तो आईक्यू भी अपने फोन्स को लेके आ रहा है, तो क्या पता इन दोनों में से किसी भी फोन को नाम चेंज करके वो ले आए, मतलब कि आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। इन दोनों का प्राइस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, आईक्यू Z6 5G इंडिया में अगर लॉन्च होगा तो उसका प्राइस आपको दिखाई देगा 26,000 रुपए के आसपास, 25,000 रुपए के आसपास, अगर आईक्यू के ब्रांडिंग के अंदर रहा तो। अगर वीवो के ब्रांडिंग के अंदर आ गया तो भाई उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाईफाई हो सकता है, 30-35 तक भी भाग सकता है, टेंशन मत लो, आईक्यू के ब्रांडिंग के अंदर ही रहेगा, 23-24,000 रुपए तक उसका प्राइस होगा। आईक्यू Z6X 5G जो है वो शायद वीवो के ब्रांडिंग के अंदर आएगा, क्योंकि उसके स्पेक्स वैसे ही लग रहे हैं, अगर वो आईक्यू के ब्रांडिंग के अंदर में आया तो उसका प्राइस आपको दिखाई देगा 16,000 रुपए, 15,000 रुपए के आसपास, अगर वो वीवो के ब्रांडिंग के अंदर आया तो आपको उसका प्राइस दिखाई देगा 25,000 रुपए, 24,000 रुपए के आसपास। खैर अगर मुझे कुछ पता चलेगा इन दोनों स्मार्टफोन्स के इंडियन प्राइसेस अवेलेबिलिटी को लेके, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पता चलेंगे मैं आपको टेक न्यूज में बताता रहूंगा। चलो यार विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।